अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चिट चैट विद अज़मत मुजीब में आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज के मेरे मेहमान, बल्कि एक नहीं दो मेहमान हैं और आपको मैं दोनों से मुलाकात कराऊंगा। और ये दोनों मेहमान जो हैं वो टोरंटो कनाडा से हैं और ज़बरदस्त सिंगर हैं। और मेरे ख्याल से जो मेरे पहले मेहमान हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ उनका। 18 साल की उम्र में पाकिस्तान से निकले, US गए, आला तालीम हासिल की, उसके बाद कनाडा माइग्रेट किया और उसके बाद अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इनको नहीं जानता, स्पेशली GTA टोरंटो के एरिया के अंदर। तो आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं, फैसल रजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम वालेकुम अजमत, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। फैसल, बचपन से ही शौक था, बचपन में सिंगिंग करते थे? यार ऑनेस्टली कहते ना, वो हर कोई कहता है, मुझे तो बचपन से शौक था, तो शायद वो भी इधर भी था, लेकिन मुझसे अच्छे मेरे भाई जो थे ना बहुत अच्छा गाते थे। मेरी बड़ी बाजी ने रेडियो पाकिस्तान के लिए गाया है, तो अगेन आई थिंक कहते हैं फैमिली के अंदर थोड़ा सा रन कर रहा था, लेकिन आई एम द ओनली वन हु टुक इट टू दिस लेवल, अदरवाइज एवरीबॉडी एल्स हैज गॉट इनटू देयर ओन बिजनेसेस एंड कहते हैं अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की तो ज़हन में कोई इंस्पिरेशन थी? मैंने एक सिंगर को बहुत ज्यादा फॉलो किया था, एंड आई यूज टू यू नो sing in his voice, या उसी फील के साथ, वो थे सोनू निगम। सोनू निगम को मैं बहुत ज्यादा यू नो बिकॉज वो एक बड़ा वर्सिटाइल सा सिंगर है, एंड ही कैन सिंग एनी। नुसरत साहब को अगर किसी ने गाया है तो सोनू निगम ने गाया है और प्रॉपर तरीके से गाया है अलॉन्ग विद ऑल द अदर सिंगर्स, यू नो। तो शुरू में मुझे सोनू निगम था, मुझे याद है डैलस में मेरा शो हो रहा था, उसमें उन्होंने मेरे पोस्टर पे मेरा नाम लगा दिया फैसल निगम, बिकॉज आई यूज्ड टू सिंग सोनू निगम सॉन्ग सो मच, यू नो। तो दैट वाज द बिगनिंग। बट व्हेन आई केम टू कनाडा एंड व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग विद डिफरेंट म्यूजिशियंस, यू नो, और जब मुझे कुछ म्यूजिशियंस ने बड़ा टफ टारगेट दिया, तो देन आई स्टार्ट गेटिंग इनटू नुसरत एंड राहत साहब। एक तो आपने एक प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आई थिंक कनाडा के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको, कैसे ख्याल आया और वो क्या कर रही है? मेरे ख्याल है कुछ लास्ट 2-3 सालों से मुझे कंपनीज बनाने का शौक हो गया है। दिस इज माय फोर्थ कंपनी। बाकी जो कंपनीज हैं वो ज़्यादातर आईटी साइड की हैं। यू नो, मैं एक कंपनी का सीईओ भी हूँ और भी मेरी 2-3 कंपनीज हैं। तो ये जो था, ये जब से हमने अपना म्यूजिक जर्नी को दोबारा से रिवाइव किया है और हमने नए गाने बनाने शुरू किए और 13 सॉन्ग जैसे मैंने आपको बताया हमने रिलीज किए 1 साल के अंदर में, तो FR म्यूजिक हमने फिर अपना एक रिकॉर्डिंग कंपनी बनाई और उसके बैनर के अंदर अब हम सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपने सोलो सिंगिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद आप इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से कुछ एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं और पॉजिटिव वाइब्स लॉन्च किया है आपने जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पॉजिटिव वाइब्स लाउंज जो हमने रिलीज किया, अभी हम कल ही रहे, उस पर काम हमारा खत्म हुआ है। खासतौर से इस लॉकडाउन के पीरियड में इट वॉजंट एन ईजी टास्क। उसके अंदर हमारे 7 डिफरेंट सिंगर्स हैं, वी ऑल कोलैबोरेटेड। अगेन हमारा जो मकसद था वो ये था कि एज अ कनेडियन कंपनी, एज अ कनेडियन आर्टिस्ट, यू नो, बिकॉज आई हैव लिव्ड मोर टाइम इन कनाडा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, यू नो, सो इवन दो माई कहते ना मेरी जो बेस है वो तो पाकिस्तानी है, लेकिन नाउ आई एम स्टिल रिप्रेजेंटिंग कनाडा, राइट? सो एज अ कनेडियन सोसाइटी, यू नो, वी आर वेरी मल्टीकल्चरल, वी हैव ऑल द कम्युनिटीज, वी हैव ऑल दोस थिंग्स। सो हमारा आइडिया ये था कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके अंदर हम फ्यूजन लेकर आए, हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज को लेकर आए, मुख्तलिफ लैंग्वेज को लेकर आए, एंड ऑल्सो ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ अ गुड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट समथिंग लाइक कोक स्टूडियो। हमने ऑनेस्टली कोक स्टूडियो को दिमाग में रख के हमने इस सीरीज का स्टार्ट किया है। अच्छा। और season 1 में जब आप देखेंगे तो आपको आई होप यू लाइक इट। सही, तो हमने यहाँ देखते हैं आपको जब शोज होते हैं तो आपने पाकिस्तान से बड़े बड़े सिंगर्स आए हैं, सायर अली बग्गा साहब आए हैं और सना मारवी आई हैं, आयमा आई, और आपने उन लोगों के साथ भी गाया है, तो कैसा फील करते हैं आप जब उनके साथ गाते हैं? तो नहीं, अमेजिंग अमेजिंग। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर व्हेन अबरार केम ओवर हियर, आई वाज ओपनिंग द शो फॉर हिम, यू नो, बहुत मजा आया, बल्कि उसके बाद भी अबरार के साथ बैठे और बड़ा, यू नो, बिकॉज यू नो दोज आर द सिंगर्स वी हैव सीन, यू नो। मुझे याद है मैं जब फर्स्ट टाइम US से पाकिस्तान गया था तो उस जमाने में असद जाना बिल्लो दे घर बड़ा मशहूर हुआ था, एंड मुझे याद है मेरी बाजी कहती, और FM नया नया आया था, FM 100 101 पाकिस्तान कुछ इस तरह का चैनल था, तो मेरी बाजी कहती तुम क्या रेडियो के साथ लगे रहते हो, मैंने कहा यार दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, यू नो। सो अबरार के साथ गाया, फिर अगेन जैसा आपने कहा बग्गा साहब और आयमा बेग, और माजी बहुत अच्छे अच्छे हमारे आर्टिस्ट हैं, एंड अगेन यू नो सना मारवी बहुत जबरदस्त, यू नो, उनके साथ, बल्कि उन्होंने मुझे खुद ही अपने साथ बैठा लिया, एंड देन वी सैंग टुगेदर, यू नो, ऑन स्टेज, तो बड़ा मजा है, एक अलग ही वाइब है ना, और जब कनेक्शन मिलते हैं तो वो कहते हैं ना, वो फिर आर्टिस्टों के साथ बात ही अलग होती है। तो हो जाए कुछ थोड़ा सा आपका जो बहुत पसंदीदा गाना हो, थोड़ा सा गुनगुनाइए हमारे नाज़रीन के लिए।
अच्छा, वैसे आज मेरे साथ ना म्यूजिशियंस हैं ना कोई माहौल है, वो तो मैंने सोचा आज बातें करेंगे, गप्पे करेंगे और आपके साथ चाय पियेंगे, लेकिन अगर आप इसरार करते हैं तो थोड़ा सा एक हमारा पाकिस्तानी गाना बहुत मशहूर रहा हमेशा से, और उसको गाया था जोहेब हसन ने जी, और कुछ इस तरह से था ना कि प्लीज जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी थी, तुम्हें मिलने से पहले दुनिया के गम भुलाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। इतना चलेगा? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ऑन द बिहाफ ऑफ कैनेडियंस हम आपको जो है वो ताली बजाते हैं उनके आपके लिए, और माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी आवाज है। और नाज़रीन, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बताया कि हमारे साथ एक और जो है वो हमारे मेहमान हैं, और हम उनको जो है प्रोग्राम में फैसल के साथ बातें जारी रहेंगी, और उसके साथ साथ हम जो है वो एक और हमारे मेहमान हैं, और वो भी टोरंटो के एक उभरते हुए सिंगर हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज है, ओवैस हयान, ओवैस हैं और इनके साथ इनके पार्टनर है हयान साहब। अस्सलाम वालेकुम हयान। अस्सलाम वालेकुम अज़मत भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अस टुडे इन योर शो। नो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और हयान, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप तो यहाँ पे बड़े यंग हैं और बड़ी बढ़ती हुई आपकी जो है वो आवाज़ है, यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि आप अपने बारे में कैसे स्टार्ट किया आपने, और माशाल्लाह आप जो है एनवायरमेंटल कनाडा में भी जो है वो काम कर रहे हैं और कैनेडियंस के लिए जो है वो भी आप एक जो है वो खिदमत कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए नाज़रीन को। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी अज़मत भाई। ये शौक जो है वो, जैसे अभी मैं फैसल की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा ये शौक तो बहुत पहले से शुरू हो जाते हैं। मेरा असल में क्रिकेट और म्यूजिक में बचपन से ही शौक था। हयान हैज बिन द सेम वे, ही हैज बिन डूइंग म्यूजिक फॉर रियली लॉन्ग टाइम एज वेल, बट हमने उसको कभी ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया कि उसको वेयर कैन वी टेक इट फर्दर, व्हाट डू वी डू विद, वी डू इट व्हेन वी सिट टुगेदर, वी डिड सम लाइव परफॉर्मेंसेस, किसी दोस्त की शादी है, कुछ करना है, सारे इकट्ठे होके कुछ हमने परफॉर्म कर दिया। तो हमने बैंड शुरू किया दोनों ने मिलके, एंड हमने जो है वेर अ न्यू बैंड, इट्स बीन अबाउट यू नो 8 months ऑफिशियली एज अ बैंड, वी हैव बीन डूइंग म्यूजिक अ लॉट लॉन्गर देन दैट, मगर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वी जस्ट मेड लास्ट वीक वी डिड अ कवर फॉर द सॉन्ग बारी, दैट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर राइट नाउ, बिलाल सईद और मोमना मुस्तहसन का गाना है, and it's getting out to people, logon ne bahut enjoy kiya hai, aur hamare aur plans hai aage karne ke, kuch covers se start karke fir hamara ye goal hai ki hum usko leke chale aage thoda originals ki taraf jaye, aur you know make our own songs and maybe revive, bring back some old songs back, the songs from the 90s and the 2000s really resonate with us. Kya inspiration thi, kisko dekh ke kaise shock hua? शौक बचपन में, यू नो ग्रोइंग अप इन, आई वाज बोर्न इन पेशावर, आई वाज रेज्ड देयर, आई मूव्ड टू कनाडा व्हेन आई वाज 16, सो बचपन में यही था कि टीवी पे, आपको पता है वो पीटीवी वगैरह जो दो तीन चैनल्स थे उसमें, यू नो वी यूज्ड टू लिसन टू स्ट्रिंग्स वाज रियली बिग बैक देन, वायरल साइंस हमारे वो इंस्पिरेशन थे, वो सुना, उन्हें बहुत सुना, फिर थोड़ा सा आगे गए तो ये आतिफ असलम आ गए और जल्द बैंड आ गए, ये those were really the songs that I grew up with, and main bahut zyada gaata tha ghar mein baithe baithe ga raha hu usko every day, it was a kind of a thing to do when you sit together with friends, so it started like that. But the reason why we thought, you know, we needed to do a band is because I feel like when you put creative minds together, do teen log jab aapas mein baithte hain, and Hayan has a lot of experience with, he plays piano, he's a really good with music production, तो हम लोग वो जो अपना माइंड्स वो एक साथ करते हैं, वी फील लाइक वी कैन रियली एनहांस द म्यूजिक, सो आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे। और माशाल्लाह अभी हमने पिछले दिनों सुना कि आप एनवायरमेंटल कनाडा में काम करते हैं और आपको जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक अवार्ड भी दिया है, तो मैं नाज़रीन को उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरा, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सो अ लॉट ऑफ द वर्क आई डू, हम काम करते हैं पब्लिक के साथ, इंडिजिनस ग्रुप्स के साथ, और जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था, उस पर मैं नॉमिनेट हुआ था अवार्ड के लिए,
by the deputy minister and the president of my agency. So wo jo hai wo ek accomplishment aayi thi, Allah ne karam kiya tha, wo last year ka wo aaya tha, magar that's something I'm really proud of. आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप और आपके पार्टनर जो हैं गिटारिस्ट माशाल्लाह हैं हयान, थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुनाइए आपका फेवरेट सॉन्ग ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो आपको सुने. एक्सेलेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हम हयान से भी कुछ बात करना चाहेंगे और हयान से हम पूछेंगे कि हयान आप जो है वो गिटार कितने अरसे से बजा रहे हैं और आपने क्यों जो है वो ओएस को ज्वाइन किया. मुझे देखिए गिटार बजाते हुए तो अभी 2-2.5 साल हुए. मैं उससे पहले पियानो बहुत अरसा बजाया था. आई थिंक 6 साल का था तब मैंने पियानो उठाया था. गिटार में काफी बचपन से इंटरेस्ट तो था लेकिन गिटार को जब आप उठाए तो जरा मुश्किल लगता तो उसे वापस रख दिया. तो फिर 2-2.5 साल पहले मैंने गिटार उठाया तो आई रियली एंजॉयड इट. एक्चुअली एंजॉयड इट मोर देन आई हैव एंजॉयड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. देख रहे हैं हम. और हयान अपना ओएस साहब ये बताइए कि आपने जो रावी नाम रखा है इसकी इसका बैकग्राउंड क्या है. रावी क्यों. रावी एक तो हम इसको कुछ ऐसा रखना चाहते थे कि उसका ज्योग्राफिकल कोई सिग्निफिकेंस हो. हम लोग मतलब हमारा म्यूजिक सारा है इंडिया पाकिस्तान टाइप का. तो रावी एज यू नो इट्स अ रिवर इन पाकिस्तान. सो दैट वाज वन काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल एलिमेंट टू इट. The other reason was hum log aisa koi naam rakhna chahte jiska meaning acha ho. And Raavi ka matlab it's a Farsi word which means storyteller. Aur aapne jo hai wo mashallah bahut zabardast studio bhi setup kiya hai aur uske bare mein thoda sa bataiye. Yes, shuru hua pandemic shuru hua hamare basement mein. Mere ghar mein ek room khali tha. I cleaned up the room. Hayan and I painted it. We brought some equipment. We killed the echo with some acoustic tiles. So sab kuch matlab humne ghar se hi ikhatta karke और हमने इधर अपना स्टूडियो बनाया. अभी जो सारी रिकॉर्डिंग्स जो हमारी आ रही हैं दैट्स ऑल डन इन दिस होम स्टूडियो. मतलब हम लोगों ने बाहर कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, सब कुछ यहीं से होता है. सो देयर इज फॉर इंप्रूवमेंट बट दिस इज अ गुड सेटअप. इट्स कन्वीनिएंट, इट्स क्रिएटिव स्पेस वी हैव हियर राइट एट होम. मैं फैसल के साथ दोबारा जो है वो आऊंगा फैसल की तरफ. फैसल ये बताएं ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं, शादी पसंद की क्योंकि मैंने ये गाना सुना था जब मैं स्टेज में था एंड यू नो इट हैज अ ब्यूटीफुल फील एंड आपने बड़े प्यार तरीके से उसको अदा किया. और हयान बहुत प्यारा बजा रहे थे यार, अब लग ही नहीं रहा था कि यू नो एक ऐसे ही हल्की सी यू नो जुम्बिश हो रही है. वेरी नाइस मजा आया गाइस. अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ भाई, कहाँ किस चक्कर में फंसा रहे हो यार. शादी जो थी वो इट वाज अरेंज मैरिज. मैं यहाँ पे एक और चीज नाज़रीन को बताऊंगा, ये शायद लोगों को नहीं पता होगी. फैसल कितना अरसा हो गया शादी को. यार बहुत निखाले 19 साल से ऊपर हो गए. माशाल्लाह देखिए एंड इट डजंट लुक लाइक इफ समबडी विल सी ओके भाई माशाल्लाह 19 साल से जो है ना वो आप इस बंधन में हैं. तो यू हैव अ आइडियल लाइफ पार्टनर. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली.
आपको वैसे ही लाइफ पार्टनर मिला है जैसा आप चाहते थे या बर्तन टूटते हैं घर में? देखिए बर्तन तो हर जगह टूटते हैं, अब मेरा ख्याल है ओवैस और हयान की शादी नहीं हुई है तो उनको भी हम प्रेप कर देते कि दैट्स पार्ट ऑफ द कहते ना वो पूरा पैकेज है ये, तो बी रेडी। जो बचे कुछ बाल, जो बचे कुछ बाल है उनको संभाल के रखो। मेरे हयान की भी शादी हो चुकी है लेकिन मेरे ख्याल से अभी नहीं है, क्यों है यार? मुझे बाल कम होने शुरू हो गए वैस। अभी आम के अभी खासे चमाए यू नो। तो वैस आपकी पसंद की हुई है या आपकी भी जो है वो अरेंज थी? इट वाज अरेंज्ड। हिचकिचाहट महसूस हुई है थोड़ी सी बोलने में जो आपने कहा इट वाज अरेंज्ड? थोड़ा बहुत, अ लिटिल बिट ऑफ बोथ यू नो। फैसल, आपने बताया कि आपने पॉजिटिव वाइब लॉन्च किया है, तो नाजरीन हम आपको उसकी थोड़ी सी यहाँ पे झलक दिखाएंगे और उसका प्रोमो दिखाएंगे जो कि फैसल ने पॉजिटिव वाइब लॉन्च किया है। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। रावी बैंड, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपकमिंग क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? अभी अपकमिंग हम लोग काम कर रहे हैं, I think Faisal bhai talked about it earlier too, how and it really resonated with me, how Nusrat Fateh Ali Khan is an inspiration, aur unke matlab aapne sufi gaano ki baat ki to wo hamara bhi bahut badi inspiration hai. We are probably matlab hamare circle mein itne zyada log wo purana Mehdi Hasan aur unko nahi sunte, hum log bahut sunte hain main aur ye, and that's why we kind of have that chemistry to have this band together. Magar agla hamara project hai, we're working on we're trying to revive this old song that we really like by Nusrat Fateh Ali Khan. It's a surprise, we don't want to give it away, magar hum log us pe kaam kar rahe hain, uska that's our next project. Tainu takya hosh hi bhul gayi garam garam chaahat te dhul gayi हथ ते डुल गई चा सजना ऐसी तेरी निगाह सजना जांदे जांदे दस्ती जा तू दिल दे विच की तेरे दिल दे विच की तेरे मैं सुने उचिया दीवारा रखिया नी तू दिल दे चार चफे। सही, कम्युनिटी के लिए क्या खिदमत जो है वो आप समझते हैं होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है community ke liye? I was involved throughout university, and Hayan was as well, in our Pakistani Students Association. We did a lot of things there. Humne bike drive organize kiye hue university ki taraf se, humne entertainment shows wagaira mein participation ki hui hai, cricket bahut zyada kheli hai university mein. Actually I also played cricket here when I idhar jab main aaya tha naya Pakistan se, to टोरंटो की टीम थी एक जो 14 दिन के लिए इंग्लैंड गई थी और उसमें मैं आई वाज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, सो क्रिकेट में बहुत ज्यादा शौक है और एक जो है हमारा थोड़ा सा विजन है कि वांट टू ब्रिंग क्रिकेट एंड म्यूजिक टुगेदर अ लिटिल बिट, सो वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिस पे हम सोच रहे हैं कि कुछ करेंगे उसके लिए इन द फ्यूचर, मगर आई थिंक फैसल भाई टॉक्ड अबाउट दिस टू, वी represent both countries, Pakistan and Canada. We want to bring the community together. Artists, I feel like sometimes are separated, mostly by location. And we're new in this field too, and we want to get to know other artists in our community and outside. So
हम लोग उस पर हमारा फोकस है कि हम यू नो अपना थोड़ा एक्सपेंड करें नेटवर्क गेट टू सी मोर टैलेंटेड पीपल लाइक फैसल भाई एंड यू नो गेट टू डू मोर सर्व आवर कम्युनिटी दिस वे फैसल ये बताएं कि अब तक आपने जो किया है सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है आपकी अजमत अपार्ट फ्रॉम यू नो कंपनीज का फॉर्म होना और कंपनीज को स्क्रैच से लेके चलना आई थिंक दोज थिंग्स विल हैपन एंड विल गो बिगर एंड बिगर डेफिनेटली दोज वर सक्सेसेस बिकॉज इन 2012 व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी आई वाज द ओनली सोल एंड आई स्टार्टेड इन माशाल्लाह टुडे यू नो वी हैव लाइक लास्ट ईयर वी हैव पास्ड मोर देन you know half a million revenue coming year we are targeting inshallah more than at least 2 million revenue to yani wo sab cheeze jo hai wo to rehti hain lekin honestly I think what's kehte na being an artist bhi mere sath do aur acche artists maujood hain to wo ek art ke side pe na wo hamara ek hamesha rehta hai ki usme maine kya kiya hai I've been singing for quite some time stage mein bhi gaya yahan pe bhi gaya live shows bahut kiye throughout north america kiya लेकिन ये जो लास्ट एक सवा साल में जो मैंने अचीव किया है ना आई विल से दैट दैट इज रियली आई नेवर थॉट ऑफ इट हमने पहला गाना रिलीज किया जैसे मैंने कहा कि वी हैव पास्ड मोर देन 400,000 व्यूअरशिप एंड दिस सीजन पॉजिटिव वाइब्स जो हमारा जा रहा है सीजन वन वी आर टारगेटिंग क्लोज टू 1 million व्यूअरशिप जस्ट फॉर दिस सीजन यू नो एंड इसके अंदर जो हमारी कहते हैं ना वो एक छोटे से आइडिया को लेकर हम मैं और मेरे साथ जो मेरे दो टीम टेबल बैठे हैं यार How come we don't have any North American version of Coke Studio? How can we produce something at that level? You know, produce करना तो एक चीज होती है, लेकिन उसको उस quality पे लेके जाओ, जहाँ पे लोग कहें कि now this is yesterday when we launched the promo, people were looking at it and couple of guys called me and said, guys, what have you done? Even in this lockdown period, you guys have produced such a high quality thing. They haven't seen the whole thing yet. But what I'm saying is that's where you feel good. And also the thing is कि you know. डिवाइड करने की तो हर कोई कोशिश कर रहा होता है कैसे लोगों को एक साथ जमा किया जा सकता है ठीक है ना बीइंग एन आर्टिस्ट आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड स्ट्राइव फॉर दैट यू नो यार लोगों को एक जगह करो लोग आएंगे लोग कहेंगे यार ये वहां का फॉरगेट अबाउट इट यार म्यूजिक हैज नो लैग नो बाउंड्रीज नो कंट्रीज राइट हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो तीसरा कैसे करेगा नहीं बहुत अच्छी बात की है और हम आप दोनों को जो है वो बहुत जो है ना ऑल द बेस्ट कहते हैं और आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट में इट्स बीन यू नो प्लेजर to have you guys on my show फैसल आखिर में आपसे मैं चाहूंगा कि हम हमारा अपनी सेगमेंट होता है कि यूथ को जो है कोई मैसेज देना चाहें छोटा सा कोई आप कुछ मैसेज दे सकें नहीं मैसेज सिर्फ सिंपल सा है वो ये है कि लिव योर पैशन व्हाटएवर योर पैशन इज डू इट बिकॉज द थिंग इज हम सोचते रहते हैं जिंदगी भर कि यार ये करेंगे वो करेंगे Don't think too much, you know. Thinkers to bahut sare hote hain, doers bahut kam hote hain, and that's how you differentiate yourself from the crowd, you know. Just do it, live your passion because, yeah, especially in this period, life is too short to worry about other people and worry about other things, you know. Let's do it. Nahi, bahut acha message diya hai, Faisal, aapne. Aur, nazreen, jaise ke aapne dekha hai in dono ko, aur maine pehle bhi apne program mein kaha hai, Canada is a land of opportunities. Log aate hain, yahan pe duniya bhar se aate hain, aur cream aati hai. और दे स्टार्ट देयर लाइफ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग और फिर उसको जो है वो स्ट्रगल करके अचीवमेंट हासिल करते हैं ये दो जो हमारे सामने मेहमान हैं हमारे और बल्कि मैं कहूँगा हयान भी ये मिसाल हैं और हमें जो है वो इन पर अप्रिशिएट करना चाहिए और कम्युनिटी के लिए ये बहुत खिदमत कर रहे हैं तो आप लोगों का प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया ऑल द बेस्ट ऑन योर ऑल न्यू प्रोजेक्ट और नाज़रीन तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपना सेलिब्रिटी जिसको आप बुलाना चाहते हैं उसका नाम भेजिए कोशिश करेंगे कि हम उसको लेकर आएँ और अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिए और इस वक्त जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़